हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन ड्रीम। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंट पीरियड क्या होता है मैं आपको पहले वो बताऊंगी, और फिर डॉर्मेंसी में हम अपने प्लांट्स को किस तरह से क्या देखते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है कि डॉर्मेंसी पीरियड क्या होता है। फ्रेंड्स, डॉर्मेंसी पीरियड बेसिकली हम उसे कहते हैं हिंदी में सुप्तावस्था, यानी कि जब पेड़ डॉर्मेंट हो जाते हैं, यानी कि जब पेड़ बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, या हम ये कह दें कि पेड़ कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे चले जाते हैं, सो जाते हैं, वो वाला पीरियड जो होता है वो डॉर्मेंट पीरियड होता है। ठीक है, और बेसिकली ऐसा जो इसका जो सीज़न है एज सच कोई स्पेसिफिक जो हम मानते हैं वो ये होता है कि मिड नवंबर से शुरू होकर मिड फेब तक ये सीज़न है रहता है। लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि ये 3 महीने का भी हो सकता है और ये 4 महीने का भी, वेदर टू वेदर डिपेंड करता है। जहाँ पर भी टेम्परेचर थोड़ा सा 25 डिग्री से बिलो जाता है वहाँ पर हमारे प्लांट्स जो हैं वो डॉर्मेंट पीरियड में चले जाते हैं, सुप्तावस्था में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब बताऊंगी कि कौन कौन से परमानेंट प्लांट्स ऐसे हैं जो डॉर्मेंट पीरियड में चले जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा पहला प्लांट है ये है फ्रेंड्स क्रोटोन प्लांट। क्रोटोन प्लांट भी जो हमारा है वो सुप्तावस्था में, डॉर्मेंट पीरियड में चला जाता है, यानी कि जैसे ही थोड़ी सी सर्दियाँ शुरू होंगी इसकी जो लीव्स है वो येल्लो होके गिरना शुरू हो जाएंगी। बेसिकली हम 15 नवंबर से लेके 15 फरवरी तक इस पीरियड को काउंट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड आता है फ्रेंड, वो है हमारा डिफिनबेकिया। डिफिनबेकिया भी आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो लीव्स हैं ये येल्लो होके फॉल होना शुरू हो गई हैं। तो डिफिनबेकिया का भी हम सीज़न ये मानते हैं कि ये प्लांट भी सो जाता है, अपनी पत्तियां झाड़ना शुरू कर देता है। भले ही नई पत्तियां आ रही हैं लेकिन वो भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती हैं। थर्ड प्लांट जो है फ्रेंड वो है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम की जितनी भी वेराइटीज़ होती हैं आप यहाँ देख सकते हैं, लीव्स येल्लो होना, डल होना, ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी हमारा सुप्तावस्था में चला जाता है, यानी कि ये भी रेस्ट पीरियड के लिए चला जाता है। नेक्स्ट प्लांट हम देखेंगे फ्रेंड्स, नंबर 4 पे हमारा जो आता है फाइकस। तो ये मेरे पास फाइकस का बॉन्जोई है, लेकिन फाइकस का भी जो सीज़न है ये भी सुप्तावस्था में चला जाता है, ये प्लांट भी डॉर्मेंसी में चला जाता है, ये भी मिड फेब के बाद ग्रो करना शुरू करता है। नंबर 5 पे आता है ये फ्रेंड्स हमारा लिली का प्लांट है। आप यहाँ पर लीव्स देख सकते हैं कि आप ध्यान से देखेंगे तो येल्लो होना और इस तरह से डल होना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये प्लांट भी हमारा सर्दियाँ शुरू होते ही डॉर्मेंसी में चला जाता है। नंबर 6 है प्लांट हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो स्नेक प्लांट भी हमारा वैसे तो सही रहता है क्योंकि ये हमारा परमानेंट प्लांट है, लेकिन न्यू पब्स आना इसमें बंद हो जाते हैं, ये हमारे फिप के बाद आते हैं। तो ये भी हमारा डॉर्मेंट पीरियड में चला जाता है फ्रेंड्स। नंबर 7 है हमारा मोगरा का प्लांट। मोगरा का प्लांट जो है फ्लावरिंग करना बंद कर देता है, नई लीव्स आना इसमें बंद हो जाती हैं और इस तरह से पूरा डल होके येलो लीव आकर ये फॉल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड नंबर आता है, नंबर 8 हमारा है पॉटुलाका। पॉटुलाका देखेंगे तो पॉटुलाका थोड़ा सा सर्दियाँ शुरू होते ही ये भी डॉर्मेंट सिचुएशन में चला जाता है। नंबर 9 है कनेर का पेड़। आप देख सकते हैं कि लीव्स इस तरह से येलो होके फॉल करना शुरू कर देती हैं क्योंकि इसका भी डॉर्मेंसी पीरियड शुरू हो गया है। नंबर 9 में हमारा आता है अजवाइन का। इसमें भी मैं आपको दिखा सकती हूँ इस तरह से लीव्स येलो होके डल होना शुरू हो गई है क्योंकि इसका भी सीजन ऑलमोस्ट आ चुका है, ये भी डॉर्मेंसी स्टेज में जाने को तैयार है। नंबर 10 में आता है हमारा मनी प्लांट। मेरे पास वैसे तो बहुत सारे इंडोर मनी प्लांट हैं लेकिन जैसे अभी मैंने कुछ प्रोपेगेट किए थे सॉइल में तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी लीव्स आ रही हैं, तो ये भी छोटी लीव्स देना शुरू कर देंगे। वैसे तो मनी प्लांट हर सीज़न में एक्यूरेट रहता है लेकिन ये डॉर्मेंस पीरियड में जब जाता है तो ये बेसिकली इन 3 महीनों के लिए छोटी छोटी लीव्स देना शुरू कर देता है। देन फ्रेंड्स नंबर 12 में हमारे पास आता है जेड प्लांट। जेड प्लांट जो है
हमारा अभी वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, हर सीजन में ग्रो करता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे इसकी भी लीव्स डल होना, येलो होना शुरू कर चुकी हैं, ये यानी कि ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा। देन नंबर 13 पे है पाम। पाम की हमारे पास जितनी भी वेराइटी हैं, पाम भी डोरमेंट पीरियड में चला जाएगा। वैसे तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन न्यू लीव्स नहीं आएंगे, और आप ध्यान से देख सकते हैं जो एग्जिस्टिंग लीव्स हैं वो भी इस तरह से डल होती चली जाएंगी। देन फ्रेंड्स नंबर 13 पे हमारा आता है विंका, प्रेम विंकल जिसे हम बोलते हैं सदाबहार। तो ये भी अभी हम चाहें इसकी कितने भी कटिंग्स अभी लगा सकते हैं 1 वीक, और उसके बाद ये भी डोरमेंसी स्टेज में चला जाएगा। देन फ्रेंड्स नंबर 14 पे हमारे पास आता है यहाँ पर मैक्सिकन पिटोनिया। ये तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी थोड़ा सा धूप आते ही, ये थोड़ा सा विंटर आते ही पूरा डल हो गया है। ये भी कम्प्लीटली डोरमेंसी स्टेज में चला गया है, इसमें फ्लावरिंग्स बिल्कुल बंद हो गई है। तो ये कम्प्लीटली डोरमेंट स्टेज में हम कह सकते हैं आ चुका है। देन फ्रेंड हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है तुलसी। तुलसी का देखिए, वैसे तो हम ये कहते हैं कि विंटर में तुलसी बिल्कुल सूख जाती है, लेकिन तुलसी में हम इसे ग्रो भी कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। इसे अगर हम थोड़ा सा शेडेड एरिया में रखेंगे विंटर्स में तो शायद हमारी तुलसी बच जाए, अदरवाइज विंटर्स में तुलसी का डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट है चंपा का, आप ये देख सकते हैं पूरा लीव छाट चुका है, इस तरह से पूरा ये रुक चुका है, तो इसका भी डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट ये जो है मैंने अलमंडा को थोड़ा सा एडीनियम को भी आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी लीव्स हैं। ये मैंने कुछ कटिंग्स ग्रो की थी, लेकिन इसकी लीव्स जो हैं फॉल करना शुरू कर चुकी हैं, क्योंकि इसका भी डोरमेंट पीरियड शुरू हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा है गुड़हल, हिबिस्कस जिसे हम बोलते हैं। हिबिस्कस भी फ्रेंड्स अगर हम ध्यान से देखें, देखिए आप मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये इस तरह से फ्लावर्स यानी कि फुली ग्रो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसका डोरमेंट पीरियड स्टार्ट हो चुका है। आज हम देखें तो ऑलमोस्ट मिड ऑफ नवंबर, आई थिंक आज 11th ऑफ नवंबर है, तो 15th ऑफ नवंबर हम काउंट करते हैं, तो 2-4 दिन ऊपर नीचे डिपेंड अपॉन द सीजन। तो ये कम्प्लीटली समटाइम ऐसा होता है कि इसकी स्टेम बिल्कुल ही डल हो जाती है, लेकिन हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फैब आते ही ये ग्रो करना शुरू कर देगा। और फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास फ्रेंड एक और हमारा इम्पॉर्टेंट प्लांट रह जाता है, दैट इज़ अलमंडा। अलमंडा प्लांट जो है फ्रेंड्स आप देखेंगे इस तरह से अलमंडा का प्लांट भी जो है वो कम्प्लीटली डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, इसमें भी फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो हमारे प्लांट्स हैं ये डोरमेंट सिचुएशन में चले जाते हैं, लेकिन हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। व्हाट वी हैव टू डू कि हम इनकी जगह जो भी सीजनल फ्लावर्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं विंटर में, हम वो ग्रो कर सकते हैं और फरवरी तक इंतज़ार कर सकते हैं कि किस तरह से ये प्लांट खुद को रिकवर करें और वापस आए। और हमें ज़्यादा कुछ इनके साथ छिड़कानी नहीं करनी है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम इन्हें परेशान ना करें, ये कुछ समय के लिए सोने जा रहे हैं, तो हम इन प्लांट्स को एज इट इज़ इन्हीं सिचुएशन में छोड़ दें, और जब फैब आएगा, जब इनका राइजिंग टाइम आएगा, तब हम इन्हें फर्टिलाइज करें। उससे पहले ना हम इनकी हार्ड प्रूनिंग करें, ना हम इन्हें फर्टिलाइज करें, ना हम इन्हें ओवर वाटर करें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।